पापा से पूछकर बीमा कराऊंगा, पापा से पूछकर बताऊंगा। दोस्तों मान लो हमने किसी को बीमा समझाया और उसने कहा कि प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन पापा से पूछकर बीमा कराऊंगा, पापा से पूछकर बताऊंगा। अब दोस्तों यदि हमें उसकी किसी बुरी आदत का पता है, जैसे सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पाउच खाना, तो हमें उससे कहना है, सबसे पहले तो हमें उसे धन्यवाद देना है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस पॉलिसी को पसंद किया, ठीक है आप पिताजी से पूछ लीजिएगा और उसके बाद करवाइएगा। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, वो कहेगा हाँ पूछो, तो हमें कहना है आप सिगरेट कब से पी रहे हैं, कितने सालों से, वह कहेगा यही करीब 4-5 सालों से या वह जितने भी साल बताए। हमें मुस्कुराते हुए उससे कहना है कि सिगरेट पीना शुरू करने से पहले क्या आपने पापा से पूछा था कि पापा जी सिगरेट पीना शुरू कर दूं, वो कहेगा नहीं ये कैसे पूछ सकता हूँ, ऐसा भी कभी कोई पूछता है अपने पिताजी से, तो हमें कहना है जब आप एक बुरा काम पापा से पूछे बिना शुरू कर सकते हैं तो जीवन बीमा लेना तो एक बहुत अच्छा काम है। और एक सबसे अच्छा काम करने के लिए आप पापा से पूछने की बात करते हैं, अच्छा काम पहले शुरू करना चाहिए उसके बाद में बताना चाहिए। कौन बाप अपने बेटे द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम से खुश नहीं होगा, तो आप बताइए पेमेंट आप चेक से देंगे या कैश। अब यदि उस व्यक्ति में कोई बुरी आदत नहीं है, जैसे वह सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, पाउच नहीं खाता, तो हमें सबसे पहले तो उसे धन्यवाद देना है कि आपने इस पॉलिसी को पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पूछना है हमें कि आपकी नौकरी लग गई है, वह बोलेगा हाँ। फिर हमें पूछना है कि आपकी शादी हो गई, उसने कहा अभी नहीं। अब हमें कहना है भैया माँ बाप कितने जतन से संतान को पालते हैं, खुद भूखे रहकर या रात को जागकर भी अपनी संतान को कष्ट नहीं होने देना चाहते, क्या यह सच है, या हमें बड़े नर्म शब्दों में कहना है, वह भी भावुक होकर कहेगा हाँ। फिर हमें पूछना है क्या भैया उन्हें संतान से कोई अपेक्षा नहीं होती, क्या उनके कोई सपने नहीं होते, वह जवाब में कहेगा हाँ उन्हें अपनी संतान से अपेक्षाएं तो होती हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं अपनी संतान से। फिर हमें कहना है लेकिन भैया उनके सपने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, भगवान ना करे यदि आपको कुछ हो जाता है तो आप तो माँ बाप के कर्ज को उतारने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे, तो भैया एक अच्छी सी पॉलिसी ले लो जिसमें पापा को नॉमिनी बना दो, इस पॉलिसी की समय अवधि बहुत लंबी ना हो, भगवान करे यह पॉलिसी पापा के सामने ही पूरी हो, पॉलिसी की रकम जब पापा के हाथ में दोगे तो उन्हें जो खुशी होगी वह आप सोच भी नहीं सकते। इसकी कल्पना करके देखो, जब एक मैच्योरिटी की रकम देकर कहोगे कि पापा यह नौकरी लगने के बाद मेरी आमदनी में से ली गई पॉलिसी के पैसे हैं, यह पूरी रकम आप दोनों के लिए है, उस समय आप उनकी आंखों में ध्यान से देखना कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं। भैया उनकी आंखें आप पर गर्व कर रही होंगी, माँ भी अपनी कोख पर गर्व कर रही होगी कि उसने आप जैसे सपूत को जन्म दिया। फिर एक बात और है भैया, भगवान ना करे यदि आपके जीवन के साथ कुछ आकस्मिक कुछ हो जाता है, कुछ सुख दुख हो जाता है, तो आपके पैसे उन्हें ही मिलेंगे। आप अपने मन में यह सोच सकते हैं कि मैंने एक अच्छा काम करके अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की है, लेकिन भैया जब आप अपने पापा से पूछोगे कि पापा क्या मैं अपने जीवन पर एक जीवन बीमा ले लूं, भैया दुनिया में कौन ऐसा बाप कह सकता है कि मेरे बेटे के जीवन पर पॉलिसी हो और अगर इसे कुछ हो जाए तो मैं पैसे ले लूं, कोई भी बाप कभी ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए भैया आप ऐसा करो कि अभी उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप पॉलिसी ले लो, तो भैया बताइए आप पेमेंट चेक से देंगे या